कहानी 40वीं। यशुआ जो क्रूसा पर चढ़ाना। से यशुआ रा मजाक उड़ाने ते बाद सैनिक तिसो क्रूसा पर चढ़ाने जो गए। तिने तिस क्रूसा जो तिसते ही चकवाया जित्ते पर से मरना था। से सैनिक यशुआ जो तिस जगह पर ले आए जो खोपड़ी नामा ते था और तीसरे हथ और पैरा जो क्रूसा पर किली था। पर यशुआ ने बोलिया, हे पिता, इना जो माफ कर, ए नहीं जान दे भी ये क्या करने लगी रे। तीन एक तख्ती तीसरे सिरा पर टंगी थी, तीते पर लिखी रहा था, यहूदिया रा राजा। पिलातुसा ने तीना जो ए लिखने जो बोलिया। तब सैनिका ने यशुआ रे कपड़े खतर परचिया पाई। जब तीने एड़ा कित्या तो तीने तीस भविष्यवाणियां जो पूरा कित्या जो बोला थी। तीने मेरे कपड़े जो आपूच बंडीला और मेरे कपड़िया खतर परचिया पाई। तिथी दो डाकू भी थे, तिने तीना जो यशुआ रे दोनों तरफा जो रखी रहा था। तीते में ते एक डाकुआ ने यशुआ रा मजाक उड़ाया, पर दूजे ने बोलिया, तू नहीं डरदा, भाई परमेश्वर तीजो सजा देंगा। असे बहुत सारे बुरे कमारे पापी है, पर ए आदमी पापी नहीं आ। तब तिने यशुआ जो बोलिया, जब तू अपने राज्य च जाना तो हाथ जोड़ के मिंजो याद रखिया। यशुआ ने बोलिया, आज ही तू माक ने स्वर्ग चुना। यहूदिया रे प्रधान और बहुत सारे लोगों ने यशुआ रा मजाक कित्या। तिने तिस बोलिया, अगर तू परमेश्वर रा बेटा तो क्रूसा ते उतरी जा और आपू जो बचाई ले, तब असे ता पर विश्वास कर गे। तब तिस देशा रा आकाश पूरा काला हो गया। से दिनारी बात ही ए दिनारे समय काला हुआ था और 3 घंटे तक एड़ा ही रहा। तब यशुआ ने जोरख ने बोलिया, पूरा हुआ, हे पिता, आऊँ अपनी आत्मा तेरे हाथ सौंपा। तब तिने अपने सिरा जो चुकाया और मरीगा। जब से मरया तब एक तूफान आया, से बड़ा पर्दा जो परमेश्वर जो लोका ते लग करा था से उपरा ते उंदेरी तरफा जो फटीगा। अपनी मौता ते बाद यशुआ ने लोका रा रस्ता परमेश्वर के आवने जो खोली था। तब यशुरी देख रेख करने वाले सैनिका ने ये देखा तो तिने बोलिया, सच्चा ए आदमी बेकसूर था, ए परमेश्वर रा बेटा। तब यूसुफ और निकुदेमुस नामा रे दो यहूदी प्रधान आए। से विश्वास करा थे भई यीशु ही मसीह था। तिने पिलातुसा ते यशुआ रे शरीरा जो मंगया। तिने तीसरा शरीर कपड़े च लपेटा और तिसो एक पत्थरारी कब्र जो कटी के बनाई रही थी तीते च लई गए और तीते अंदर रखी था। तब तिने तीसरा कब्रा जो बंद करने खातर एक बड़ा पत्थर तीते आगे लगाई था।